हैप्पी होली। होली के लिए हम सीखेंगे ठंडाई की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हमें लगेगा बादाम, तो हमने यहाँ पे 20 से 25 बादाम लिए हैं। साथ ही हम 15 से 20 काजू ले लेंगे। इसके साथ हम पिस्ता भी उतना ही लेंगे जितना काजू लिया है। और अब हम बढ़ेंगे अगली इंग्रेडिएंट की ओर, और वो है मिलन सीड्स। मिलन सीड्स यानि मगज भी, ये हमने 2 टीस्पून लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे खसखस यानि पोपे सीड्स, वो भी हमने 2 टीस्पून लिए थे। अब डालूंगी मैं सौंफ यानि फिनल सीड्स, ये भी 2 टीस्पून लिए थे। अब जाएगी इलायची। इलायची आपके टेस्ट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने 10 से 12 इलायची ली थी। और यहाँ पर मैं गर्म पानी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ताकि इसको मैं अच्छे से सोक कर पाऊँ, इसको अच्छे से भिगा पाऊँ। ये लगभग मैं 2 घंटे के लिए भिगा के रखूँगी, और जैसे आप देखोगे 2 घंटे के बाद ये अच्छे से फूल जाएंगे। अगर आपके पास टाइम है, आप बना के रखना चाहते हैं, तो ओवरनाइट भी इसको आप भिगो के रख सकते हैं। ये देखिए 2 घंटे के बाद कुछ इस तरीके से हमारी सामग्री दिख रही है। अब मैं इसको मिक्सर में डालकर इसको अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक और एडिशन बताऊँगी। यहाँ पे काली मिरी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेरे घर में काली मिरी का फ्लेवर पसंद नहीं है, इसके लिए मैंने अवॉइड कर दिया, नहीं डाला है। लेकिन आप डाल सकते हैं, ठंडाई में काली मिरी ऐड करते हैं। तो ये देखिए फाइन पेस्ट बन चुका है। और अब हम बढ़ते हैं मिल्क में यानी दूध में इसको ऐड करने के प्रोसेस में। सबसे पहले मैंने यहाँ पे शुगर भी ऐड करी है 1 कप, और इसको भी मैं पीस भी लूँगी। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच शुगर यानी चीनी, ताकि मैं मिल्क में इसकी जो मिठास है वो अच्छे से घुल जाए। और पेस्ट डाल रही हूँ 2 टीस्पून, जो हमने अभी ठंडाई की पेस्ट बनाई थी वही मैं ऐड कर रही हूँ। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1 ग्लास ठंडा दूध। याद रखिए ठंडा दूध डालना है, गरम नहीं। अगर आपको गरम बनाना है तो आप गरम भी बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी ठंडा ही बना रही हूँ, इसके लिए मैंने इसको ठंडे दूध के साथ यूज़ किया है। 1 ग्लास के अंदर मैं 2-3 क्यूब्स आइस के डाल रही हूँ, और इसको मिक्सर में दूध को पीस लेने के बाद ये रहा होली स्पेशल ठंडाई, परफेक्ट रेसिपी केसर के गार्निशिंग के साथ। प्रेजेंट है केसर ठंडाई। तो समर में आपको कूल रखने के लिए अब हम बनाएंगे इसका दूसरा फ्लेवर, और वो है रोज वाला। तो वही ठंडाई के 2 चम्मच पेस्ट मिक्सर जार में ऐड किए हैं, और अब मैं ऐड करूंगी इसमें रोज सिरप, वो भी आपको 2 टेबलस्पून या 2 स्पून आपको ऐड करने हैं आपके फ्लेवर के हिसाब से। अगर आपको स्ट्रॉन्ग पसंद है तो आप थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। 1 ग्लास मैंने दूध का ऐड किया है, और अब हम इसको मिक्सर में पीस लेंगे। फ्रेंड्स, अभी हमें ग्लास में 2 क्यूब आइस के डाले हैं, और यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने शुगर नहीं डाला है, क्योंकि रोज़ सिरप में शुगर होता है। तो ये रहा हमारा रोज़ फ्लेवर ठंडाई, रेडी टू सर्व। तो फ्रेंड्स, इस मसाले को सबसे पहले तो सिलवटे में पीसा जाता है, फिर सफ़ेद मलमल के कपड़े में इसको बांधकर बाद में इसकी गुठली बनाकर इसको दूध में डाला जाता है। तो ये उसका ट्रेडिशनल वे हुआ ठंडाई को बनाने का, और हमने यूज़ किया है शॉर्टकट मेथड। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी? मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।